स्वागत है फ्रेंड आप IAS के डेली हिंदी एडिटोरियल डिस्कशन में। फ्रेंड थोड़ा सा कुछ ज़रूरी काम की वजह से जो है तो ये जो सीरीज है तो हम इसको काफ़ी मतलब कि रेगुलर नहीं कर पाए। इसकी वजह से जो है तो कुछ इसमें जो इसकी डेली का सीरीज़ था वो जो है तो कुछ एडिटोरियल इसमें छूटे हुए। तो हालांकि हम पूरे जितने भी एडिटोरियल आपके छूटे हुए हैं उन सभी एडिटोरियल को मैं हम साथ में कवर करने का प्रयास करेंगे। और हम चलते हैं आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड चार आर्टिकल, जिसमें से एक आर्टिकल पहला आर्टिकल होगा कि परियोजनाओं की जड़ता तोड़ने के जतन। ये डॉक्टर भरत झुंझुनवाला जी का आर्टिकल है, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। जो अभी हाल ही में जैसे गवर्नमेंट ने जो है तो रेरा एक्ट में कुछ अमेंडमेंट करके एक इसमें से जो फंड जो बिल्ड की है तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल, तो इसको यहाँ पास जो है तो इसमें जो है तो डॉक्टर भरत झुंझुनवाला जी ने काफ़ी अच्छे इसमें कुछ तर्क भी दिए हैं कि कितना ज़्यादा रिलेवेंट है ना, इससे रिलेटेड है ना। वहीं अपना जो नेक्स्ट आर्टिकल है जल परिवहन पर देना होगा अधिक ध्यान, ये विनायक चटर्जी जी का आर्टिकल है। ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल इसको माना जा सकता है जल परिवहन के क्षेत्र में, जिस प्रकार से गवर्नमेंट जो है तो काफ़ी कुछ प्रयास भी कर रही है तो उस दिशा में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। वहीं अपना ये तीसरा आर्टिकल है कि हर उम्र की सांसों पर भारी है ग्लोबल वार्मिंग का असर। ये जो है तो जो हाल ही में लानसेंट काउंटडाउन की एक रिपोर्ट आई है तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। तो ये हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट के उस पर जो है तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है। वहीं हम बात करते हैं कि अपना जो चौथा आर्टिकल है तो ये आर्टिकल होगा कि किसान के क्रय शक्ति से पता चलता है मंदी। जो जिस प्रकार से जो है तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन भारत में देखने को मिल रही है, भारत की इकोनॉमी में, तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पास जो है तो विस्तार से डिस्कस करने का प्रयास करेंगे ना। तो हम चलते हैं अपने पहले आर्टिकल की तरफ। तो उससे पहले हम बात करते हैं कि ये जो लानसेंट काउंटडाउन की जो लानसेंट की रिपोर्ट आई थी तो उससे रिलेटेड जो आर्टिकल, उससे पहले हम यहाँ पर जाने का थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड पे जाने का प्रयास करते हैं कि जो है तो लानसेंट ने ये जो रिपोर्ट प्रकाशित की है तो ये जो इसका टाइटल है तो वो है कि स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन पर उल्टी गिनती यानी काउंटडाउन। तो इससे जो है तो हेल्थ और क्लाइमेट चेंज की काउंटडाउन नामक टाइटल से जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई है तो इस पर जो है तो 41 इंडिकेट टर्स के उस पर जो है तो ये रिपोर्ट जो है तो वार्षिक विश्लेषण के उस पर जो है तो प्रकाशित की गई है। और साथ ही साथ जो है तो पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है, साथ ही जो है तो परियोजना लगभग 35 संस्थानों के 120 विशेषज्ञों के उससे जो है सहयोग से जो है तो ये बनी है। वहीं इसमें से यदि बात की जाए तो ये जो रिपोर्ट है इसकी इंपॉर्टेंस हम इस हिसाब से भी देख सकते हैं कि इस रिपोर्ट को बनाने के लिए जो है तो WHO, वर्ल्ड बैंक और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन और बीजिंग में जो सिंधुआ विश्वविद्यालय जो है तो इन्होंने मिलकर के इस रिपोर्ट को बनाया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो है तो इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जा सकती है इसको ना। यदि हम देखते हैं कि अब चलते हैं अपनी रिपोर्ट की तरफ, तो इसमें हम आर्टिकल पर देखते हैं कि जैसे कि हम बात करें कि हाल ही में जैसे लानसेंट काउंटडाउन की रिपोर्ट आई है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, तो इस पे जो है तो ये स्वास्थ्य पर जो गंभीर प्रभाव जो क्लाइमेट चेंज का पड़ रहा है तो उस से संबंधित काफ़ी गंभीर चिंता इसमें व्यक्त की गई है ना। और इसमें से जिस प्रकार से जो है तो ये यहाँ पर से हम बात करें कि जो क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं तो उससे उसकी तुलना में बात की जाए तो वो मतलब वो जो प्रयास हैं तो जिस प्रकार से खतरे बढ़ते जा रहे हैं तो वो प्रयास काफ़ी नाकाफ़ी कहा जा सकता है, बहुत ही कम माना जा सकता है वो प्रयास जिस प्रकार से हो रहे हैं तो, है ना। और यदि हम बात करें कि हम वैश्विक दृष्टिकोण से बात की जाए तो इसमें जो है तो जो छोटे द्वीप हैं और काफ़ी जो गरीब और विकासशील देश हैं तो उनकी चिंताओं को जो है तो और भी ज़्यादा जैसे कि जो है तो पहचानने में एक प्रकार से ये चूक हो रही है ना। और इस रिपोर्ट के हिसाब से बात की जाए तो आज जो है तो जन्म लेने वाला यदि हम बात करें तो हर एक मतलब कि बात की जाए तो जीवन में एक बार ऐसी जलवायु में मतलब कि हर एक बच्चा जो जन्म ले रहा है वो अपने जीवन में जो है तो ऐसी जलवायु में सांस लेगा जो कि औद्योगिक काल से पहले के दौर की तुलना में लगभग लगभग 4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा गर्म है ना। यानी कि जो है तो टेम्परेचर किस प्रकार से किस गति से बढ़ता जा रहा है ये यहाँ पास इस रिपोर्ट में ये बताया गया है। और यदि हम बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है तो क्लाइमेट चेंज का प्रभाव जो है तो बच्चों पर ज़्यादा मतलब कि देखने को मिल रहा है। और यदि बात करते हैं कि 1960 के बाद से ये भी देखा गया है कि जो जो प्रमुख जो फसलें हैं उनकी उत्पादकता में काफ़ी ज़्यादा मतलब कि गिरावट देखने को मिल रही है। वही यानी कि इससे जो है तो हमारे फूड सिक्योरिटी में भी काफ़ी ज़्यादा खतरा उत्पन्न हो जाता है। वहीं यदि बात करते हैं तो
इससे जो है तो मल न्यूट्रिशन की समस्या भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है ना। गरीब बच्चों में तो और भी ज़्यादा ये समस्या देखने को मिलती हैं। और इसी प्रकार यदि बात की जाए तो हेल्थ संबंधित बात की जाए तो डायरिया, डेंगू जैसी बीमारियाँ जो होती है ये भी काफ़ी तीव्रता के साथ बच्चों में बढ़ती जा रही हैं, है ना। ये क्लाइमेट चेंज के प्रभाव के तौर पर इसको देखा जा सकता है। इसी इस प्रकार के जो रोग हैं उनके विस्तार के लिए जो जिस प्रकार से मतलब कि गर्मी बढ़ रही है, तो इससे जो है तो काफ़ी इनको और भी ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है इस प्रकार के रोगों को, है ना। यदि बात करें कि जो पिछले लगभग हम बात किए 2 दशक में यदि बात की जाए तो जो डेंगू का संचरण के दृष्टि से बात की जाए तो सबसे ज़्यादा भयावह साबित हुए हैं पिछले 2 दशक, है ना। इस प्रकार की जो क्लाइमेट चेंज से जिस प्रकार का मतलब कि गर्मी और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती जा रही है, तो इससे जो है तो और भी ज़्यादा इस प्रकार की बीमारियाँ फैलने की जो वो हैं तो और भी ज़्यादा आशंका बढ़ जाती है। अब यदि बात की इसी प्रकार से बात की अगर डायरिया के मामले में देखें तो 1980 के दशक की तुलना में यदि बात की जाए तो ऐसे दिनों की जो संख्या है लगभग लगभग दोगुनी हो गई है ना। डायरिया फैलने जैसी जो बीमारी है उनसे संबंधित अब यदि बात की जाए कि रिपोर्ट में पहली बार ऐसा दर्शाया गया है कि किस प्रकार से लगभग उम्र के हर पड़ाव को जो है तो क्लाइमेट चेंज किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है, ये भी इस रिपोर्ट में दर्शाया गया है। यदि बात की जाए तो यदि किशोरावस्था में जब एक प्रकार से बात करते हैं तो खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है क्लाइमेट चेंज की बात की जाए तो। यदि वहीं हम बात करें कि जीवाश्म ईंधन से होने वाले जो वायु प्रदूषण है, जो कि हवा के प्रदूषित होने से होने वाले जो दिल या फेफड़े आदि की जो बीमारियां हैं, तो ये जो थी इनकी जो है तो इस प्रकार की बीमारियों को और भी ज़्यादा खतरा बढ़ता ही जा रहा है। अब यदि हम बात करें कि PM 2.5 जैसे जो सूक्ष्म कण हैं उनसे भी लगभग 2016 में यदि बात की जाए 2016 के आंकड़ों में देखा जाए तो लगभग लगभग इनसे 29 लाख मौतें विश्व भर में हुई थी। वही यदि हम बात की जाए कि इस दौरान लगभग वायु प्रदूषण से होने वाली जो मौतें हैं तो कुल मौतें लगभग 78 लाख मौतें हुई थी, है ना। वायु प्रदूषण से इस प्रकार ज़्यादा मौतें हुई थी। वही बात की जाए तो रिपोर्ट में ये बात भी स्पष्ट तौर पे बताई गई है कि जीवन में लगभग लगभग ये बात की जाए तो बार बार चरम मौसमी घटनाओं का आना जो है सबसे बड़ा खतरा यानी होगा जो स्वास्थ्य के लिए और भी ज़्यादा बड़ी चुनौती साबित होगा। यदि हम बात करें तो इसके प्रकोप का सबसे ज़्यादा यदि हम बात करें कि जो सर्वाधिक शिकार जो है तो महिलाएं जो है तो उनको भी होना पड़ सकता है ना। यदि बात की जाए कि विश्व स्तर पर लगभग 77 देशों ने यदि 2001 से 14 तथा 2015 से 18 के दौरान जो जंगलों की जिस प्रकार से बढ़ती आग की समस्या है और उनसे होने वाले जोखिम में भी वृद्धि का अनुभव किया गया है ना। वर्तमान में भी इस प्रकार की घटनाओं को देखा जा सकता है, जैसे कि ब्राज़ील के जंगलों में जो है तो अमेजन में किस प्रकार से भयावह आग लगने की घटना देखने को मिली, है ना। वहीं हर साल जो है तो अमेरिका में भी जो है तो भारत और चीन में इस प्रकार की जो घटनाएं हैं सबसे ज़्यादा बढ़ी हैं, है ना, वन जंगल में आग लगने वाली घटनाएं। और यदि हम बात करें कि यदि भारत के संदर्भ में बात करें तो वहाँ पास लगभग इस प्रकार की घटना जो है आग लगने की घटना लगभग 2.1 करोड़ के आसपास, वहीं चीन में लगभग लगभग 1.7 करोड़ इस प्रकार के मामले देखने को मिले हैं। वहीं यदि बात की जाए कि निम्न आय वाले देश में भी इस प्रकार की जो मौसमी घटनाओं से जो होने वाली क्षति है उसकी भरपाई के लिए भी कोई बीमा या कोई बीमा योजना नहीं है, है ना। तो इससे क्या होता है कि जब इस प्रकार कोई भी बीमा इन मौसमी घटनाओं के लिए नहीं होगा तो इससे क्या होगा कि परिवारों पर और भी ज़्यादा बोझ बढ़ता चला जाता है ना। तो इस प्रकार के जो क्लाइमेट चेंज से जो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इससे बहुत ही ज़्यादा मतलब कि गर्मी का स्तर बढ़ता जा रहा है और लू जैसी घटनाओं से भी लोग जो है तो आबादी की जो श्रम उत्पादन क्षमता है वो भी कैसे डिक्लाइन कर जाती है ना। और रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि 2018 में लगभग लगभग 45 अरब संभावित कार्य घंटे का नुकसान हुआ है। यदि हम बात करें कि जिसमें जो है तो भारी गर्मी, बारिश, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक घटनाएं ये भी जो है तो शामिल हैं इसमें। अब यदि हम बात करें कि अमेरिका और उसके दक्षिणी क्षेत्र जो है तो उसने भी इस दौरान लगभग तापमान बढ़ने के कारण कामकाज के संभावित जो 15 से 20% जो घंटे हैं उसको खो दिया। इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो कार्य करने की उत्पादक क्षमता को भी किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज जो है तो प्रभावित कर रहा है, हम इस दृष्टिकोण से भी इसको देख सकते हैं। अब यदि हम थोड़ा सा इसको समरी फॉर्म में देखा जाए तो रिपोर्ट की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएँ भी हैं, जैसे कि बात की जाए कि रिपोर्ट में जैसे कि डायरिया के संक्रमण बाल मृत्यु दर का प्रमुख इसमें कारण बताया गया है। वही 1960 के बाद से जैसे देश में चावल और मक्का की जो औसत उपज क्षमता में लगभग लगभग 2% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं बात की जाए कि शीतकाल में जैसे गेहूँ और सोयाबीन की औसत उपज क्षमता उसमें भी लगभग 1% की गिरावट देखने को मिली, यानी कि फसल उत्पादकता में किस प्रकार से गिरावट क्लाइमेट चेंज जो है तो जिम्मेदार हो रहा है। वहीं समुद्र के स्तर में भी किस प्रकार से वृद्धि के कारण लगभग लगभग गैस्ट्रो एंटाइटिस हैजा आज जैसे जो संक्रमण है उसमें भी किस प्रकार से वृद्धि देखने को मिल रही है ना। तो यदि बात की जाए तो 1980 की तुलना में 3% किस प्रकार की जो है बीमारियाँ हैजा वगैरह इसमें वृद्धि देखने को मिल रही है। वहीं कुपोषण जो है तो 5 में से लगभग 2/3 मौतों के लिए जिम्मेदार मतलब कि माना गया है। वहीं यदि हम रिपोर्ट की मुख्य विशेषताओं पर बात की जाए, वर्ल्ड लेवल पर बात की जाए तो ग्लोबल लेवल पर देखें तो उसमें भी जो है तो क्लाइमेट चेंज से मत्स्य पालन और जलीय कृषि को भी काफ़ी ज़्यादा गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है ना। वही बात की समुद्र तल में तो जिस प्रकार से समुद्र का स्तर बढ़ ही रहा है उसी प्रकार से समुद्र सतह का जो तापमान बढ़ने से जो है तो
बढ़ रहा है तो वहीं महासागर का अम्लीकरण भी बढ़ता जा रहा है ना। वहीं तीव्र लगातार चरम मौसम की घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं, है ना। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि जैसे बात की कि वेट बल्ब ग्लोब तापमान टेम्परेचर यानी कि WBGT जो है तो ऊष्मा तनाव का माप, तो इसमें भी जो है तो काफ़ी कुछ मतलब कि वृद्धि देखने को मिल रही है। तो यदि हम बात करते हैं कि रिपोर्ट में जो WBGT के अनुसार चेतावनी ये भी दी है कि अत्यधिक गर्मी के कारण 22 अरब अतिरिक्त जो घंटे हैं उनका काम खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसमें जो है तापमान वृद्धि से जो उत्पादकता जो है तो वो घट करके 0.8 से 5% तक रह जाएगी। जिस प्रकार से क्लाइमेट चेंज का जो है तो काफ़ी मतलब कि इस रिपोर्ट में जो है तो बहुत ही जो है तो गंभीर संकेत के तौर पर इसको देखा जा सकता है। और साथ ही रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि हालांकि अभी ये तो प्रमाणित करना मुश्किल है कि जलवायु परिवर्तन के चलते जो पलायन, गरीबी की जो विकरालता है, हिंसक प्रदर्शन, संघर्ष और मानसिक बीमारियां ये जो तो क्लाइमेट चेंज की वजह से बढ़ रही है, इसको तो अभी पूरी तरह से इसको पुष्टि करना मतलब कि मुश्किल है। लेकिन इतना तो इस बात से ज़रूर स्पष्ट होता है कि जो क्लाइमेट चेंज है तो इनको जो है तो निश्चित तौर पर काफ़ी मतलब कि बढ़ा जरूर रहा है ना। यानी कि जो गरीबी की इस भयावहता है या जो पलायन की स्तर है या हिंसक प्रदर्शन जो हो रहे हैं तो इनको जो है तो काफ़ी कुछ जो है क्लाइमेट चेंज इनको बढ़ा रहा है। और इस पर यदि हम बात करें तो लैंसेट की जो रिपोर्ट है तो ये एक जो है एक प्रकार से बड़ी चिंता के तौर पे मतलब कि चिंता ही व्यक्त कर रही है। वहीं दुनिया में ये भी सोच मतलब कि बढ़ती जा रही है कि सब इसी प्रकार से चल रहा है, यानी कि इस प्रकार के जो गंभीर संकेत देखने को मिल रहे हैं। तो फिर भी जो है तो यदि वैश्विक लेवल पर बात की जाए तो लोगों की मेंटेलिटी जो है तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक लोग उसको सामान्य ढंग से इसको जो है तो ढुलमुल रवैया की तरह से देख रहे हैं, है ना। तो इससे जो है तो मतलब कि इसके प्रति काफ़ी ज़्यादा लोगों में सक्रियता देखने को नहीं मिल रही। इससे जो है ये और भी ज़्यादा गंभीर चिंता की बात यहाँ पास देखने को मिल रही है। तो यदि हम बात करें कि इसी प्रकार से यदि इस रवैया रहा है तो परिणाम इसका यह हो कि दुनिया का जो मौलिक रूप ही बदल जाएगा, है ना। और जो कि जिस प्रकार से चिंता व्यक्त की तो उससे कहीं ज़्यादा विकराल रूप में जो दुनिया के सामने जो तो और भी ज़्यादा मतलब कि गंभीर संकट देखने को मिल सकते हैं, है ना। तो यदि हम देखें कि यदि हम इस पे देखते हैं कि अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो इस आर्टिकल पे यानी कि जो मंदी जो भारत में आर्थिक जो मंदी का दौर देखने को मिल रहा है, तो उससे संबंधित इस आर्टिकल पे जाने से पहले जो है तो हम उसको थोड़ा सा स्टार्टिंग के कुछ बेसिक पे जानने का प्रयास करें, बेसिक जानने का प्रयास करेंगे। तो इसमें हम आखिर यहाँ पर जानते हैं कि जो वर्तमान में जो आर्थिक मंदी का दौर देखने को मिल रहा है तो उसके क्या कुछ संभावित कारण हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो उनमें से कुछ महत्वपूर्ण कारकों में जैसे कि डिमोनेटाइजेशन को कहा जा सकता है ना। वहीं GST को भी कहा जा सकता है। तो इस प्रकार के कुछ कारण हैं तो उनके बारे में हम बात कर सकते हैं। वहीं NPA की समस्या है जो इस प्रकार की समस्या है, ये भी जो है तो कई जो है तो हमारे आर्थिक मंदी के लिए कैसे कह सकते हैं कि इसके कारक के तौर पे देखा जा सकता है। तो हम कुछ इस पे देखने का प्रयास करेंगे कि जिस जिस प्रकार से विमुद्रीकरण जो है तो आर्थिक इसको जो है तो प्रभावित करते थे। बात करें कि जैसे कि डिमोनेटाइजेशन गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था तो उससे जो है तो निजी उपभोग लगभग लगभग पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं, है ना। और एक प्रकार से उपभोक्ता खर्च करने के बजाय अब क्या कर रहे हैं, कुछ जमा करने पर ज़्यादा मतलब कि फोकस कर रहे हैं। तो इससे जो है तो वहीं बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में भी एक प्रकार से मांग बहुत ही कम हो गई है, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था तो नकदी पर ही निर्भर होती है। वहीं हम बात करें कि बेंगलोर स्थित एक शोधकर्ता के अनुसार बात की जाए तो वहाँ पास जो है तो शोध किया गया तो उसमें ये देखा गया कि नोटबंदी के बाद लगभग 2016 और 2018 के बीच लगभग लगभग 5 मिलियन लोग जो है तो बेरोजगार हो गए थे। वहीं MSME व्यवसायों में प्रभावित काफ़ी कुछ ये भी प्रभावित हो, क्योंकि वे भी जो है तो अधिकांशतः नकदी पर ही निर्भर करते हैं। और एक और जहाँ इससे देश भर में मांग काफ़ी कम हो गई तो दूसरी ओर जो है वस्तुओं की आपूर्ति में भी एक प्रकार से बाधा पैदा हुई। वहीं हम इसके दूसरे कारण के तौर पर देख सकते हैं कि बैंकों का NPA। तो NPA को इस प्रकार से देखा जा सकता है कि जिस प्रकार से अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जो तो काफ़ी ज़्यादा NPA की समस्या से ग्रसित देखे जा रहे हैं, जिससे कि जो ऋण देने में भी काफ़ी ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो रही है। ऐसे में देखा जा सकता है कि सरकार के लिए भी देश में मांग को बढ़ा करके आर्थिक स्थिति को सुधारना काफ़ी कुछ मतलब कि चैलेंजेबल देखने को मिल रहा है ना। वहीं देश के बैंकिंग और नॉन बैंकिंग सेक्टर की बात की जाए तो उसमें भी काफ़ी अच्छी स्थिति देखने को नहीं मिल रही है ना। वही हम बात करें GST के संदर्भ में बात की जाए तो GST जिस प्रकार से मतलब कि एक देश एक कर की बात यहाँ पास तो की गई थी, तो इससे जो है तो यदि हम बात करें तो ये जो है तो कह सकते हैं कि इसके ढांचे तथा क्रियान्वयन को लेकर जो उत्पन्न समस्या है उससे तो उद्यमों को काफ़ी नकारात्मक रूप से इसने प्रभावित किया है। वहीं छोटे व्यवसायों की बात करें तो उसमें तो नोटबंदी से ज़्यादा तो GST का प्रभाव देखने को मिला है ना। वहीं एकदम अन्य वैश्विक कारकों के संदर्भ में देखा जाए तो वो किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, तो उसके संदर्भ में देखा जाए जिस प्रकार से अमेरिका और चीन के बीच जो ट्रेड वार है उससे निर्मित जो वैश्विक मंदी की समस्या है तो वो भी एक प्रकार से बड़ा कारण के तौर पर देखा जा सकता है। वहीं यदि बात की जाए कि ग्लोबल लेवल पर लगातार निर्यात में गिरावट देखने को मिल रही है और वहीं वस्तुओं का निर्यातक होने के कारण भारत भी इससे काफ़ी कुछ प्रभावित दिख रहा है। वहीं अन्य कारणों के तौर पर देख सकते हैं कि रोजगार में कमी। तो रोजगार में कमी देखते हैं कि वो तो स्वाभाविक सी बात है कि यदि मांग में कमी हो रही है तो
इससे जो है तो निश्चित तौर पे जो है तो रोजगार में कमी ये भी तो प्रभावित करती है। हालांकि जो पूरी इकोनॉमी है तो डिमांड एंड सप्लाई पे ही निर्भर करती है ना, तो ये चीज़ें तो इसमें मतलब कि आ ही जाती हैं। लेकिन यहाँ पर सीधे बात करते हैं कि जैसे जिस प्रकार से विमुद्रीकरण, जस्टिकरण, जो असंगठित क्षेत्र में रोजगार की कमी हुई, वहीं विदेशी निवेश के सीमित होने से भी नए रोजगार का बहुत सीमित होते चले गए। वहीं इन्हें एनएसओ के आंकड़ों की बात की जाए तो उसमें भी जो बेरोजगारी लगभग 6.1% के आसपास देखने को मिली, जो कि पिछले 45 वर्षों में सर्वाधिक मतलब कि सबसे ज़्यादा मानी जा सकती है। वहीं बात की जाए कि जिस प्रकार से रोजगार में कमी देखने को मिली, वही गुणवत्ता परक रोजगार का विसृजन नहीं देखने को मिला है। परिणाम स्वरूप मांग में भी काफ़ी कमी देखने को मिली है। वही बात करते हैं कि मौद्रिक नीति के संदर्भ में बात की जाए तो मौद्रिक नीति भी किस प्रकार से प्रभावित किया है। तो यदि बात करें तो 2013 से 2014 में जो खुदरा मुद्रा स्फीति दर जो है 9.4% थी, तो इस परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो इसमें भी जो रिजर्व बैंक ने मुद्रा स्फीति को कम करने के लिए मौद्रिक नीति का सहारा लिया था, तो इसमें भी बात की जाए तो इसमें कुछ कठोर मौद्रिक नीति पर भी बल दिया गया था, है ना। इसमें इसके संदर्भ में बात कर सकते हैं कि जैसे जिस प्रकार से रेपो दर को भी ऊंचा रखा गया था, है ना, जिससे कि बाजार में उधार लेने की जो क्षमता है तो कम हो गई थी क्योंकि ऋण काफ़ी महंगे हो गए थे, है ना। तो इसका परिणाम ये हुआ कि मुद्रा स्फीति में काफ़ी कमी आई। और यदि बात की कि 2018-19 के लिए जो 3.4% रही, लेकिन इसने मौद्रिक नीति बाजार को भी बहुत कमज़ोर किया है ना। तो पिछले कुछ समय से इसी को ध्यान में रखकर बात की तो RBI भी लगातार रेपो रेट को कम कर रहा है ना, ताकि सिचुएशन को संभाल लिया जा सके ना। वहीं बात की जाए कि अन्य कारणों पर देखा जाए तो ये आत्मविश्वास की कमी के तौर पर देखा जा सकता है कि आत्मविश्वास की कमी जो है इसके लिए इसको मतलब कि और भी ज़्यादा बढ़ाती है ना। कैसे देखें कि देश की जो इकोनॉमी है उसकी स्थिति उसके समाज की स्थिति का भी प्रतिबिंब है ना। तो अर्थशास्त्री के अनुसार बात की जाए तो किसी भी अर्थव्यवस्था का जो कामकाज तो उसके उसमें मौजूद लोगों और संस्थान के बीच जो आदान प्रदान सामाजिक संबंधों का एक संयुक्त परिणाम के तौर पर उसको माना जाता है। तो यदि हम कई विश्लेषकों की माने तो वर्तमान में जिस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो उसमें जो जिस प्रकार से विश्वास में कमी का सामना कर रही है, तो कई जैसे बैंक हैं उनमें भी NPA की वजह से काफ़ी मतलब ऋण नहीं दे पा रहे हैं, और जो उद्यमी हैं वो भी जोखिम के डर से नई परियोजना को शुरू करने में भी हेजिटेट होते हैं। तो देश के जो कुछ बड़े अर्थशास्त्री हैं उनका ऐसा मानना है कि लोगों के बीच जो मौजूद भय और विश्वास जो है तो उस अविश्वास की स्थिति जो है तो उससे भी आर्थिक मंदी को और भी ज़्यादा मतलब कि बल मिला है। अब यदि बात की जाए कि जो अर्थशास्त्री इस प्रकार से मान रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास दर में संभवतः जो है तो चालू वित्त वर्ष की मतलब कि जो तीसरी तिमाही में सुधार की मतलब कि संभावना देखी जा रही है कुछ अर्थशास्त्रियों के द्वारा, क्योंकि जैसे हाल के दिनों में जिस प्रकार सरकार ने काफ़ी कठोर फैसले किए हैं, है ना, इकोनॉमिक के रिफॉर्म के लिए, तो निश्चित तौर पर इसके परिणाम आगे देखने को मिलेंगे, है ना। तो ऐसी बात की जाए केंद्र सरकार ने जो घोषणा की थी कि वो पब्लिक सेक्टर के बैंकों की सहायता करने के उद्देश्य से लगभग 70,000 करोड़ रुपए की राशि जारी करेगी, इस प्रकार के जो रिफॉर्म सरकार ने किए, वहीं इसके अलावा सरकार ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों पर भी लगने वाले अधिभार को भी समाप्त वापस ले लिया था। वहीं सभी स्टार्टअप्स और उनके निवेशकों पर जो एंजल टैक्स की समस्या है उसको भी लगभग सरकार ने वापस ले लिया था, है ना। वहीं साथ ही सरकार ने GST परिषद की बैठक में भी आर्थिक विकास, निवेश और रोजगार सृजन की बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है कॉरपोरेट कर के दर में भी कटौती की घोषणा की थी, है ना। वहीं बात की कि RBI भी लगातार रेपो रेट में कटौती करके कि इस प्रकार से मांग को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। तो इससे निश्चित तौर पर जो तो आगे जो है तो मतलब कि इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। अब यदि हम इस आर्टिकल की बात करते हैं तो इस आर्टिकल में जिस प्रकार से मतलब की बात की जो किसान की क्रय शक्ति से पता चलता है मंदी, है ना। तो यदि बात करते हैं कि जिस प्रकार से सरकार सक्षमता और सही सोच से इस संकट से देश को मतलब कि यदि बात कीजिए कि यहाँ पर जिस प्रकार से भारत जो है तो मंदी के उस पर वैश्विक मंदी उस पर भारत भी जो है तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि ग्रसित देखा जा रहा है, तो इसके लिए जो है तो सरकार जो है सक्षमता और सही सोच से निश्चित तौर पे इस संकट से उबर सकता है ना। तो इसमें यदि बात की कि जरूरत इसके लिए ये है कि हम जो है तो हकीकत के प्रति शुतुरमुर्गी भाव ना रखें। कहने का सेंस ये है कि हम जिस चीज़ को जानते हैं तो उसके लिए जो है तो हम उसको एक तरह से इग्नोर ना करें, है ना। जो रियलिटी है तो हमें उसे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है ना, ना कि उसके मतलब कि उसको छिपाने की। तो यदि बात की जाए कि इसी प्रकार के संकट जो है 2009 में भी देखा गया था, हालांकि सरकार ने अपने सूझबूझ के प्रयास के साथ जो है तो इससे मतलब कि उबर भी गया था भारत। तो आज भी इसी प्रकार की मतलब कि मंदी के चक्र को तोड़ने की ज़रूरत है ना। तो कृषि और उससे जो जुड़े लोग हैं उनको हाथ में पैसा जाए जो देश की आबादी का लगभग 67% है, इसके लिए ये भी ज़रूरत है कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है तो उसको भी मतलब काफ़ी कुछ रिफॉर्म करने की जरूरत है, क्योंकि काफ़ी बड़ी आबादी जो है इसमें मतलब कि इन्वॉल्व है। और ये बात की जाए कि हम सरकार के ताज़ा रिपोर्ट की बात की जाए तो उसमें लगभग ट्रैक्टर मोटरसाइकिल ही नहीं बल्कि रोजाना प्रयोग होने वाली जैसे उपभोक्ता सामग्री की बात की तो उसकी भी मांग में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है ना। तो यदि बात की कि ये क्षेत्र में देश में लगभग 5% जो है तो ये जो रोजगार उपभोक्ता सामग्री जो नॉर्मल चीज़ें हैं तो ये भी लगभग रोजगार में 5% रोजगार का में योगदान देती हैं। तो यदि मांग में कमी होगी तो निश्चित तौर पर उत्पादन भी कम होगा, और उत्पादन कम होगा तो बेरोजगारी भी
बढ़ जाएगी। तो यदि बात की जाए तो मतलब कि यदि हम इसमें देखें कि यदि कृषि क्षेत्र की बात की तो उसमें भी जैसे धान के बाद अब गेहूं की खेती का भी क्षेत्र जिस प्रकार से घट रहा है, तो यदि बात करें कि मंदी जो है तो बड़ी कार के उपभोक्ता से नहीं बल्कि ग्रामीण भारत की क्रय शक्ति से ही तय होती है ना। इसमें हम बड़े बड़े इंडस्ट्री के मतलब कि कमज़ोर होने उनसे बस नहीं बल्कि जो ग्रामीण आबादी जो है तो उसमें भी क्रय शक्ति जिस प्रकार से गिर रही है तो उससे जो है तो मंदी के उस पर हम देख सकते हैं। जिस प्रकार से बात की जो भारत में जो सोने के जो कुल खरीद है उसका लगभग 50% जो है तो वो तो ग्रामीण भारत ही वहाँ पास मतलब कि उसकी खरीद करता है, तो उसमें भी काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं यदि बात की जाए तो अन्य आंकड़ों पर यदि प्रकाश डाला जाए तो विद्युत उत्पादन भी गिर रहा है। ये भी मंदी के मतलब इसको परिणाम के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि जो शहरी मध्यम वर्ग है वो ही नहीं बल्कि उद्योगों से भी मांग में कमी देखने को मिल रही है ना। तो वो उत्पादन निश्चित तौर पर अपना कम कर देंगे क्योंकि मांग ही नहीं है, तो उत्पादन करके क्या मतलब है ना। तो जैसे बात करते हैं कि लगभग लगभग 133 विद्युत इकाइयाँ लगभग ठप हो चुकी हैं ना। तो आज देश में लगभग 3.63 लाख मेगावाट बिजली की उत्पादन क्षमता के मुकाबले लगभग पिछले 7 नवंबर की मांग की बात की जाए तो मात्र 1.88 लाख मेगावाट की थी, है ना। तो यदि हम बात की जाए तो जिस प्रकार से औद्योगिक राज्य महाराष्ट्र और गुजरात में भी इस प्रकार की जो मांग में कमी देखने को मिल रही है, तो यदि हम देखें कि यदि हम अभी मतलब कि और भी अन्य आंकड़ों पर यदि प्रकाश डाला जाए तो जिस प्रकार से CMII की रिपोर्ट की बात की जाए, सेंट्रल मॉनिटरिंग की जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी जिस प्रकार से मतलब कि रोजगार बेरोजगारी संबंधित जो उसमें बताया गया कि किस प्रकार से हमारे 18 से 30 वर्ष के जो युवा हैं तो वो मनरेगा में किस प्रकार से शिफ्ट हो रहे हैं, कि जो कि 2017-18 के आंकड़ों की बात की जाए तो लगभग लगभग 58 लाख के आसपास जो तो युवा संबल जो है तो मनरेगा में शिफ्ट हुआ। तो वहीं बात की कि 2018-19 में ये आंकड़े बढ़कर के लगभग 70 लाख हो गए थे, है ना। तो किस प्रकार से हम बेरोजगारी का आलम ये इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो है तो मनरेगा में कार्य करने के लिए जो हमारा युवा संबल है तो मजबूर हो रहा है। तो यदि हम बात करते हैं कि किस प्रकार से जो है तो मतलब कि शहरों में नौकरियों के अभाव से जो है तो एक प्रकार से गाँवों की ओर पलायन कर रहे हैं रोजगार की तलाश में, तो मंदी की मार सबसे ज़्यादा तो गरीब ही झेलता है, ये तो स्पष्ट ही है ना। क्योंकि उसकी आजीविका ही मतलब कि जो है तो चली जाती है। तो इस प्रकार के जो संकेत देखने को मिल रहे हैं तो निश्चित तौर पर बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक संकेत इसको माना जा सकता है। तो निश्चित तौर पर जो है तो सरकार को काफ़ी मतलब कि बड़े पैमाने पर जो है तो उस पर काफ़ी मतलब कि ठोस कदम उठाने की ज़रूरत यहाँ पर देखी जा सकती है ना। हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। उस नेक्स्ट आर्टिकल पे चलने से पहले यहाँ पर हम कुछ बेसिक चीज़ों पे जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पास मतलब कि यदि हम देखें कि ये जो भरत झुनझुनवाला जी का आर्टिकल नेक्स्ट है तो इसमें जो है तो इन्होंने रेरा एक्ट जो 2016 था तो उसमें जो गवर्नमेंट ने कुछ मतलब कि एक नया फंड उसमें बिल्ड किया था कि जो वैकल्पिक निवेश कोष था, तो उससे संबंधित यहाँ पास इस आर्टिकल पर डिस्कस करने से पहले हम इस पे देखने का प्रयास करेंगे कि जो रियल एस्टेट की बात की जाए तो ये जो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा है, तो ये जो रेरा एक्ट है जो रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट जो 2016 है तो इसमें जो है 2016 में ये जो है तो संसद के द्वारा पारित हुआ था और 1 मई 2017 से ये प्रभाव में आया था। तो इसके रेरा के बारे में थोड़ी सी बात की जाए तो ये क्या है, तो इसके बारे में देखें तो ये घर खरीदारों की रक्षा करने के साथ ही अचल संपत्ति की बिक्री खरीद में दक्षता और पारदर्शिता ला करके रियल इस्टेट क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने में ये मदद करता है ना। वहीं ये एक्ट जो है तो प्रत्येक राज्य में रियल इस्टेट क्षेत्र के नियमन के लिए भी रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की स्थापना करता है और ये शीघ्रता के लिए एक सहायक निकाय के रूप में भी कार्य करता है रेरा। वहीं हम इस मतलब कि रेरा एक्ट में कुछ और भी बात की जाए कि इसका उद्देश्य क्या है, तो ये रियल इस्टेट क्षेत्र है उसके विनियमन और संवर्धन के लिए जो अचल संपत्ति नियामक प्राधिकरण की स्थापना करना जो कुशल और पारदर्शी लेन देन सुनिश्चित करता है और शीघ्र विवाद निवारण के लिए एक सहायक तंत्र स्थापित करता है ना, जिससे कि उपभोक्ताओं के हितों की संरक्षा की जा सके। वहीं ये उचित लेन देन समय पर वितरण और गुणवत्ता निर्माण के महत्वपूर्ण मुद्दों का भी समाधान करना चाहता है। तो इस पर यदि बात की जाए तो जैसे कि विनियमन ने भारत भर में लगभग लाखों पीड़ित घर खरीदारों के पृष्ठभूमि में एक बड़ी राहत के रूप में भी देखने को मिला है। वहीं अपने घरों को वितरित करने में लंबी देरी के खिलाफ भी विरोध कर रहे हैं जिसमें उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई का निवेश किया, तो उससे संबंधित जो है ये रेरा एक्ट जो है तो काफ़ी मतलब इसको बेहतर माना जा सकता है। तो यदि बात की जाए तो इसमें जैसे कि अब रेरा के तहत क्या है कि घर जो खरीदार हैं उनके हितों की भी रक्षा की जाती है, क्योंकि केवल पंजीकृत डेवलपर से प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं, है ना। तो इसमें मतलब कर सकते हैं कि जो है तो पूरा ये जो मतलब कि इसमें जो बिल्डर्स हैं तो वो भी जो है तो गवर्नमेंट की इस पर मतलब कि आ जाते हैं, है ना, राडार पे। वही इसके अलावा यदि बात करें डेवलपर्स अधिकारियों से सभी आवश्यक अनुमति प्राप्त किए बिना अपनी परियोजनाओं को लॉन्च और विज्ञापन नहीं दे सकते और ग्राहकों की बुकिंग मतलब कि वो
कर सकते हैं, मतलब इसकी एक्सेप्टेंस की बात है गवर्नमेंट के, तो उन्हें जो है तो मनमानी ढंग से बुकिंग राशि वसूलने से भी रोक मतलब इसमें रोक लगाया गया है, क्योंकि नए विनियमन के तहत क्या है कि जो संपत्ति की जो लागत है उसका 10% पर जो बुकिंग राशि है वो तय की गई है ना। तो इस पे यदि हम थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा और जानने का प्रयास करें रेरा एक्ट के बारे में, तो जो रेरा एक्ट है इसमें जो है तो अनिवार्य पंजीकरण भी होता है कि जैसे कि बात कीजिए कि जो संपत्ति लेन देन है तो एक नियामक के अधीन होगा, यानी कि राज्य स्तरीय रियल इस्टेट नियामक प्राधिकरण रेरा जो है तो इसका उद्देश्य जो है तो आपकी जो संपत्ति लेन देन है उसके लिए वो वही भूमिका निभाना है जैसे कि सेबी पूंजी बाजार में सुरक्षा लेन देन के लिए करता है, जैसे कि 500 वर्ग मीटर या 8 अपार्टमेंट के क्षेत्र उनके साथ किसी भी आवासीय परियोजना को शुरू करने वाले प्रत्येक डेवलपर को रेरा के साथ पंजीकरण करना होगा, है ना। ये तो हमने पूरा रेरा के बारे में जाना है, उसके बेसिक उसके बारे में। अब हम जानने का प्रयास करेंगे इस आर्टिकल में कि किस प्रकार से क्या गवर्नमेंट ने कुछ इसमें चेंजेस किए हैं, है ना, किस प्रकार से जो वैकल्पिक निवेश फंड गवर्नमेंट ने बनाया है AIF, तो इसके क्या मतलब कि जो है तो कितना ज़्यादा ये रिलेवेंट है, कितना इसकी उपयोगिता है ना इसके बारे में। तो इसके बारे में थोड़ा समझाने के प्रयास करें कि ये AIF यानी कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो बनाया है हाल ही में, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। जैसे कि बात करते हैं कि ये जो बनाया गया है फंड, तो ये लगभग लगभग 25,000 करोड़ का फंड है ना। इस 25,000 करोड़ में से 10,000 करोड़ का जो कंट्रीब्यूशन कौन करेगा, इसमें से 10,000 करोड़ का जो कंट्रीब्यूशन होगा तो वो करेगी केंद्र सरकार, वहीं शेष 15,000 करोड़ का जो कंट्रीब्यूशन करेगा वो SBI और LIC मिलकर करेंगे, है ना। और ये जो AIF है तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो बनाया गया है, तो ये लगभग 16,000 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के उस पर मतलब कि वो मतलब कि प्रभावी होगा। वहीं यदि बात की जाए कि इसमें ऐसे प्रोजेक्ट भी आएंगे जो कि NPA के उसमें भी मतलब कि शामिल हैं, NPA में भी हैं। तो यदि हम बात करें कि इसके बारे में यदि हम देखते हैं कि इस आर्टिकल पर यदि चलें तो देखते हैं कि अब हमने रेरा के पूरे बेसिक उसके बारे में हमने समझ लिया, तो अब ये जो आर्टिकल है इसको समझने में काफ़ी आपको आसानी होगी। अब यदि बात करते हैं कि जिस प्रकार से जो गवर्नमेंट ने रियल एस्टेट क्षेत्र में जो है तो उनकी मुश्किलों को उबारने के लिए जो केंद्र सरकार ने 25,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट फंड लाया है गवर्नमेंट के द्वारा, है ना, इसको राहत पैकेज के तौर पर जो लाया गया है, तो उसके बारे में यदि बात की जाए तो इस पर जो है तो मतलब कि कितना ज़्यादा मतलब कि इससे सवाल ये भी उठता है कि ये जो मतलब इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है तो इससे जो तो समस्या कितनी ज़्यादा सुलझेगी या और भी ज़्यादा मतलब कि उलझ जाएगी, है ना। तो इस पे यदि बात की जाए तो इसके बारे में हम कुछ उदाहरण के तौर पर यहाँ पर मतलब राइटर ने समझाने का प्रयास किया है कि जैसे बात करें कि जैसे मध्यम श्रेणी के एक बिल्डर हैं, है ना, तो उन्होंने क्या किया कि 300 करोड़ रुपये में कोई ज़मीन मतलब कि खरीदी है। अब इस पर वो फ्लैट बना करके, है ना, इस पर वो फ्लैट बनाकर क्या करेंगे कि उन्हें मतलब कि वह जो है तो 1500 करोड़ रुपए में बेचना चाहते हैं, है ना। तो इस पे यदि देखें तो भूमि का मूल्य जो है तो 300 करोड़, फ्लैट बनाने की जो लागत है 900 करोड़, और उनका मुनाफा 300 करोड़, तो कुल मिलाकर के 1500 करोड़ रुपए में वो बेचना चाहते हैं, तो इनमें से 300 उनका मुनाफा हो जाएगा 300 करोड़ का। अब यदि उन्होंने 1200 करोड़ रुपए के फ्लैट बेच दिए तो इसमें से प्राप्त लगे यदि 1200 करोड़ में से 600 करोड़ उन्होंने परियोजना को पूरा करने में खर्च कर दिया है ना, वहीं 600 करोड़ से वो क्या करेगी अगले प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन खरीद लिए, है ना, पूरा उसमें पेड़ ना करके 600 करोड़ में अगले प्रोजेक्ट के लिए दे दें, और 600 में मतलब 600 करोड़ में जो है तो मतलब कि परियोजना को पूरा करने में वो इन्वेस्ट कर दें। लेकिन यदि बात की जाए तो इसमें से प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए तो 900 करोड़ रुपए लागत लग रही थी, है ना, तो प्रोजेक्ट को पूरा नहीं, इसी कारण जो है तो वो प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर सके क्योंकि उन्होंने इसमें 600 करोड़ ही इन्वेस्ट किए। तो इसी बीच यदि कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि नोटबंदी जैसे समस्या वो हो गई, मतलब कि नोटबंदी कर दिया गया या रियल एस्टेट का नया कानून रेरा लागू हो गया, इस प्रकार की यदि इसी बीच मतलब कि कुछ मतलब नए कानून आ जाते हैं तो उससे क्या होता है कि बाजार से जिस प्रकार से मतलब कि ब्लैक मनी मतलब गायब हो जाए तो प्रॉपर्टी के मार्ग में एक एक गिरावट आ जाएगी, है ना। तो इसका परिणाम क्या देखने को मिलेगा कि ये जो मतलब कि जो कह सकते हैं कि मतलब कि जो अपार्टमेंट वगैरह जो जो थे तो इनके दाम एक एक गिर जाएंगे, है ना, क्योंकि मांग कम हो गई, तो निश्चित तौर पर मांग कम हो जाएगी तो इनके दाम कम हो जाएंगे, तो इससे क्या होगा कि जो प्रोजेक्ट है तो फंस जाएंगे, है ना। तो इससे इससे क्या होगा क्योंकि वो जो है तो पुरानी परियोजना के सिर्फ 300 करोड़ रुपए के फ्लैट नहीं बेच पाए तो वहीं जो है तो बाजार में गिरी कीमतों के चलते जो नया प्रोजेक्ट है वो भी लटक जाएगा, है ना। पुराने प्रोजेक्ट तो अधर में हो ही गए, साथ ही साथ जो नए प्रोजेक्ट के लिए उसने मतलब कि पहल कर दी थी तो वो भी जो है तो इसकी वजह से अधर में चले जाएंगे। तो उसके लिए जो तो ज़मीन खरीदने पर जो खर्च किए गए उनके जो 600 करोड़ रुपए थे वो भी फंस गए। तो इस हिसाब से बात की जाए तो इसमें तो जो
यदि इसमें देखा जाए तो बिल्डर की गलती तो सिर्फ यही थी कि उन्होंने क्या किया कि 900 करोड़ के जो फ्लैट बेचे थे तो उनसे जो नई भूमि को उन्होंने पहले खरीदा और उसके बाद जो है तो प्रोजेक्ट को पूरा करने में मतलब कि पूरा करने का फैसला किया था प्रोजेक्ट को। लेकिन इसमें यह भी ध्यान देने वाली बात है कि बिल्डर में ये तो मतलब कि नॉर्मल सी चीज़ है कि कोई भी मतलब कि एक एक पूरा कंप्लीट करके दूसरे का वेट नहीं कर सकता है ना। तो इसमें जो है तो इस पे देखा जाए कि सरकार ने तो ये जो योजना बनाई है कि जो अटकी हुई प्रोजेक्ट है उनको वित्तीय सहायता देकर के उन्हें उबारा जाए, इस प्रकार का जो योजना ये जो फंड बनाया गया है, तो इसमें तो यदि बात की जाए तो जो इस प्रकार की यदि बात की जाए तो जो इसमें खरीदारों को भी तो उनके फ्लैट मिल जाएंगे निश्चित तौर पे। तो ऐसे में जो सरकारी मदद से जो रकम मिलेगी तो उससे तो अपनी परियोजना को पूरा कर सकते हैं, है ना। तो इससे जो तो को तो फ़ायदा मिलेगा। इस तरह जो अटकी हुई प्रोजेक्ट हैं तो उनको तो मतलब कि पूरा किया जा सकता है। लेकिन ये सही कदम यदि होगा लेकिन इससे तो प्रॉपर्टी क्षेत्र की जो समस्या है और भी ज़्यादा मतलब कि गहरी हो जाएगी, है ना। कैसे? इसका कारण ये है कि जैसे बिल्डर प्रोजेक्ट को पूरा करेगा और 300 करोड़ के जैसे नए फ्लैट बाज़ार में उपलब्ध हो जाएंगे, है ना। तो बाज़ार में पहले से ही एक तो मतलब कि काफ़ी फ्लैट उपलब्ध हैं तो इससे आपूर्ति और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जब आपूर्ति और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी हम कुछ यदि एक आंकड़े की बात की जाए तो लगभग लगभग देश में 13 लाख करोड़ रुपए के अनबिके मकान ग्राहकों की मतलब कि अनबिके मकान यहाँ पास हैं, है ना। तो इसमें से 300 करोड़ रुपए जैसे और भी जो संपत्ति और भी ज़्यादा जुड़ जाएंगे तो इससे तो दाम और भी ज़्यादा गिर जाएंगे ना, है ना। तो जिससे संपत्ति बाज़ार का संकट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस स्थिति में जो रेरा एक्ट है उसके इम्प्लीमेंटेशन पर विचार करने की ज़रूरत है ना। समस्या यही नहीं बल्कि बिल्डर प्रोजेक्ट को पूरा नहीं करता और खरीदार विवाद खड़ा करते हैं तो मामला मतलब कि अदालत में चला जाएगा और इससे जो है तो मामला और भी ज़्यादा पेंडिंग होता चला जाएगा, है ना। तो बिल्डर पर ब्याज का इससे बोझ ही बढ़ेगा और ख़रीदार की जो रकम है तो वो भी और भी ज़्यादा फंसती चली जाएगी। तो यहाँ हमें मतलब कि इस प्रकार के और भी समस्याएं मतलब कि ये सुलझने के बजाय और भी ज़्यादा समस्या और भी ज़्यादा पेचीदा होता चला जाता है। तो यहाँ हमें मतलब कि बात की जाए कि राइटर ने यहाँ पास मतलब कुछ उपाय सुझाए हैं कि हमें चीन से सबक लेने की ज़रूरत है। जैसे कैसे? यदि देखें कि वहाँ पास चीन के एक उदाहरण के तौर पर यहाँ पर राइटर ने बताया है कि जैसे चीन में किसी उद्यमी की जो फैक्ट्री की भूमि का सरकार को अधिग्रहण करना था तो क्योंकि वहाँ पास हवाई पट्टी बनना था तो सरकार के द्वारा उद्यमी को नोटिस दिया गया पहले, है ना, कि वह 6 महीने में अपनी फैक्ट्री को हटा ले वहाँ से। फिर इसके बाद सरकार के जो अधिकारियों की एक टीम है तो उनके पास चर्चा के लिए गई। उसके बाद उद्यमी ने यह कहा कि फैक्ट्री की जो मौजूदा लागत है 10 करोड़ यूएन है और नए स्थान पर फैक्ट्री को शिफ्ट करने के लिए 13 करोड़ यूएन की जरूरत होगी। तो सरकारी टीम थी उसने क्या किया कि उसमें 14 करोड़ यूएन दे दिए और 1 करोड़ यूएन की घूस ले ली, यानी कि 13 करोड़ यूएन से ही उद्यमी ने दूसरे स्थान पर अपनी फैक्ट्री को लगा लिया। तो भारत में भी इसी प्रकार की त्वरित व्यवस्था बनाए जाने की जरूरत है ना। साथ ही ये भी सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है कि उसमें इस प्रकार की घूस वगैरह भ्रष्टाचार ना हो। तो संकट में पड़े प्रोजेक्ट के लिए भी सरकार को खरीदार, बिल्डर और बैंकों के साथ मिलकर के निर्णय लेने की ज़रूरत है ना। इन तीनों की आपसी सहमति से तीनों पक्षों को मजबूत करना चाहिए कि वे अपने एक अंश का घाटा वहन करें, है ना। तीनों कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज़ करें, इससे ही प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सकेगा और तभी जो है तो मामला पूरी तरह से सॉर्ट आउट हो पाएगा। साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए कि जो लटके हुए जो प्रोजेक्ट होते हैं तो उनको तो एक तरह से मूल प्रश्न तो पूंजी की उपलब्धता का नहीं बल्कि प्रोजेक्ट की लागत का है जो कि बाज़ार मूल्य से काफ़ी ज़्यादा मतलब कि उनकी लागत है ना। स्वाभाविक यह है कि बिल्डर जो है तो लागत से कम दाम पर तो नहीं बेचेंगे, तो उन्हें भी क्योंकि उन्हें भी तो देनदारी चुकानी होती है, वही खरीदार भी है तो वो भी समझौता नहीं करता क्योंकि वो जो है तो रेरा के तहत अपने अधिकारों को लेकर के काफ़ी सजग है। तो ऐसे में बैंक और खरीदारों के दबाव में भी जो है तो बिल्डर के पास कोई रास्ता नहीं होता है, तो वो भी जो है तो प्रोजेक्ट को पूरा करके आगे ही बढ़ेंगे, है ना। इसीलिए जो है तो तीनों पक्षों को बैठ करके सरकार को ये तय करना चाहिए कि बिल्डर, बैंक और खरीदार कितना घाटा मतलब कि मतलब सहन कर सकते हैं, है ना। तो इस पर सहमति के साथ ही इस मतलब कि ये देखा जाए तभी जो है तो तीनों के कॉपरेशन से ही इस मामले को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो इसके लिए सरकार जिस प्रकार से 25,000 करोड़ रुपए का पैकेज देकर अपने ऊपर ही जो है तो बोझ को बढ़ा रही है ना। वैसे तो इस प्रकार के तत्कालिक राहत से मूल समस्या हल नहीं होने वाली है। असल समस्या तो ये है कि आज बाज़ार में जो प्रॉपर्टी की मांग है तो एक प्रकार से कम हो गई है ना। तो सरकार को जिस प्रकार से अनबिके फ्लैट के मामले में बैंक और बिल्डरों के साथ मिलकर चर्चा करनी चाहिए ताकि उनकी जो कीमतें हैं तो काफ़ी कम होकर के उनकी बिक्री की राह मतलब कि और भी ज़्यादा वो बिक सकें, है ना। तो इससे जो है तो काफ़ी मतलब कि हालात तभी सामान्य देखने को मिलेंगे क्योंकि स्थिति जो है तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि जटिल देखने को मिल रही है क्योंकि केंद्र के लगभग 25,000 करोड़ रुपए के पैकेज से तो जो बाज़ार में आपूर्ति ही बढ़ेगी ना, और इससे जो है तो जो उनके मतलब के दाम हैं फ्लैट के तो और कम हो जाएंगे क्योंकि इससे आपूर्ति बढ़ जाएगी। जबकि समस्या को सुलझाना है तो मांग में और भी बढ़ोतरी करनी होगी, है ना। तो
बात की जाए कि ये जो मसला है तो काफ़ी व्यापक आर्थिक नीति का है। जो सरकार की जो मेक इन इंडिया की बात की जाए तो इसमें इससे जो है तो जैसे बड़े उद्योगों को काफ़ी बढ़ावा देने की नीति का ये परिणाम है कि आज छोटे जो उद्योग हैं काफ़ी ज़्यादा वो दबाव में आ गए हैं, है ना। वही बात की जाए खुले व्यापार की नीति से जो देशी बाजार से तो सस्ते विदेशी बाजारों से पट गए हैं, है ना। तो यदि इससे जो उद्योगों पर काफ़ी दबाव बढ़ता जा रहा है तो यदि बात की जाए तो उनके द्वारा जो रोज़गार सृजित नहीं हो रहे हैं, रोज़गार सृजित न होने के कारण जो तो आम जनता के पास भी क्रय शक्ति का काफ़ी अभाव देखने को मिल रहा है ना। रियल इस्टेट की बात की जाए तो उसमें भी सीधा एक प्लस से बात की जाए, जैसे कि ऐसे में तो जैसे हम छोटे उद्योगों को पुनर्जीवित करने की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक तो प्रॉपर्टी की मांग में जो है तो संभावित बढ़ोतरी नहीं देखने को मिल सकती है ना। तो इसके लिए जो तो हमें क्या करना चाहिए कि आर्थिक मोर्चे पर काफ़ी व्यापक कदम उठाने की जरूरत होगी, अन्यथा तो 25,000 करोड़ रुपए की इस प्रकार की मौजूदा योजना से तो मकानों की आपूर्ति भी बढ़ेगी और प्रॉपर्टी के दाम भी गिरेंगे, तो मकान बिकेंगे नहीं बल्कि और भी समस्या ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, है ना। तो इसलिए यदि बात की जाए तो इस सरकार को लटके हुए प्रोजेक्ट और बैंकों पर खरीदारों और बिल्डरों के साथ मिलकर के एक प्रकार से स्थायी समाधान निकालने पर मतलब कि ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। इससे ही साथ ही अर्थव्यवस्था में छोटे उद्योग को संरक्षण देकर के मांग को और भी ज़्यादा मतलब बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए सरकार को, है ना। यही जो तो काफ़ी मतलब कि कह सकते कि लंबे समय तक एक प्रकार से कह सकते कि सतत उपाय के तौर पर इसको देखा जा सकता है ना। तो बस इस आर्टिकल में इतना ही, धन्यवाद।